बीसीएन एवं बीटीपी समूह के संस्थापक सिराज भाई शेख इनके जन्मदिन के अवसर पर महाशिविर का आयोजन रघुजी नगर स्थित कामगार कल्याण सभागृह में किया गया था, जहां कई क्षेत्रों के कद्दावर लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी। वहीं शिविर में हजारों जरूरतमंदों ने लाभ लिया। जन्मदिन हर उस व्यक्ति के लिए बहुत खास दिन होता है जो इसे मनाता है। सबसे पहले जब कोई करीबी उसके लिए कुछ खास करता है तो व्यक्ति को प्यार का एहसास होता है। प्यार पाना दुनिया की सबसे खास भावनाओं में से एक है और दूसरा यह व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। हम सभी हर दिन अपने जन्मदिन का इंतजार करते हैं क्योंकि हम बड़े होते हैं और हर साल परिपक्वता की भावना प्राप्त करते हैं। हमारा जन्मदिन उसी चीज का अवसर है। इसके अलावा यह आपको विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करने में भी मदद करता है। लेकिन दुनिया में कुछ जन ही लोग होते हैं जो अपना जन्मदिन जनहित के नाम करते हैं। इन्हीं लोगों की श्रेणी में नाम आता है बीसीएन एवं बीटीपी समूह के संस्थापक सिराज शेख इनका, जिनके जन्मदिन के अवसर पर पिछले 7 दिनों से सार्थक बहुद्देशीय संस्था संत गुलाब बाबा आश्रम, किशोर कुमेरिया, दीपक पोहनेकर, शेखर आदमनी, सिद्धू कोमिजवार आदि के सहयोग से रोग निदान शिविर का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था, जहाँ लगभग 7,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। वहीं सिराज शेख इनके जन्मदिन के मौके पर कामगार कल्याण सभागृह में महाशिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ बड़ी मात्रा में रोग निदान, बाल रोग, महिला रोग, अस्थि रोग आदि बीमारियों का निदान एवं परामर्श हजारों लोगों ने पाया। साथ ही इतना ही नहीं तो इस महाशिविर में लीगल एडवाइस और लोन एडवाइस सभी चीजों का परामर्श दिया गया। बहरहाल सिराज शेख इनके जन्मदिन पर सामाजिक एवं राजकीय क्षेत्र के कद्दावर नेता मौजूद थे, जहां विशेष रूप से रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्याम कुमार बर्वे, विधायक कृष्णा खोपड़े, कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे, शहराध्यक्ष राका प्रशांत पवार, शहराध्यक्ष राका शरद पवार, दुनेश्वर पेटे, शिवसेना उबाटा के नेता और पूर्व उपमहापौर किशोर कुमेरिया, शहराध्यक्ष उबाटा शिवसेना सिद्धू कोमिजवार, शिव प्रतिष्ठान के दीपक पोहनेकर, पूर्व विधायक सुधाकर कोड़े, पूर्व उपमहापौर सतीश होले, बसपा नेता नाको जयकर, शिवसेना के जयदीप पेंडके, जैन प्रकोष्ठ भाजपा उपाध्यक्ष ऋचा जैन, खुशी जैन, डॉक्टर अविनाश कावंटी, कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन जोया सिराज शेख, महिला कांग्रेस अध्यक्ष न्यासाली सागर कुंभारे आदि गणमान्य विशेष रूप से मौजूद थे। इस समय मौजूद मान्यवरों ने सिराज शेख इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। माँ आरोग्य शिविर में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। गरीबों को ऐसी सब व्यवस्था करना चाहिए। सभी लोगों ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो पार्टी का आयोजन करते हैं अलग तरीके से करने से अच्छा जो हेल्थ कैंप लगाया उन्होंने, ये एक नया तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। इस हेल्थ कैंप में मैंने देखा है कि बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पे अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। सभी लोगों ने अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में इसी तरह से जन सेवा किया तो आने वाले समय में बहुत से लोगों को मदद मिलेंगी। ये जो निराला पद्धति शुरू किया है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सिराज भाई शेख अपने बीसीएनचे प्रमुख आणि बीसीएनचे सर्व व्यवस्थापक बीसीएन भाईच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने शेख भाईच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने आपण जे आज आरोग्य शिबिराचे आयोजन केलं हे खऱ्या अर्थाने ही काळाची गरज आहे। जन्मदिवस हर व्यक्तीच्या दरवर्षी येत राहते परंतु त्या माध्यमातून आपण हजारो नागरिकांना काय देऊ शकतो। जन्मदिवस म्हटल्याने पहिले असे आलट्या पालट्या गावभरच्या होत होत्या, लेकिन जन्मदिवस म्हटलं तर हे आरोग्याच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांना लाभ देण्याचं काम
सिराज भाई आणि BCN सगळ्या चंबूच्या वतीने या ठिकाणी झाला आहे। आणि म्हणून मी अनेक कार्यक्रमामध्ये अनेक वाढदिवसामध्ये मी जातो। आता अधिकांश ठिकाणी आरोग्य शिबिर म्हटल्याने हे लोक अगर स्वस्थ राहतील, लोकांचे आरोग्य चांगले राहतील तर सगळंच काही चांगले राहील। आणि म्हणून लोकाले जास्तीत जास्त फायदा आपल्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने आपण कसा देऊ शकतो आणि त्या दृष्टिकोनातून BCN सगळ्या प्रमुखांनी जे या ठिकाणी एक चांगलं आयोजन केलं मी मनापासून सगळ्याचे आभार मानतो। सिराजभाई शेख यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांचे दरवर्षी अशाच प्रकारचे कार्यक्रमाचे आयोजन व्हावं ही परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो। कारण BCN चॅनल म्हटलं तर हे आम जनतेचं हे चॅनल आहे। गोरगरिबाचे प्रश्न असतील, गोरगरिबांचे विषय असतील, खर्चा स्तरापर्यंत जाऊन विकासाचे कामं झाले नाही झाले याच्यावर जे आपण फोकस दरवेळेस करत राहता आणि त्यामुळे आपलं चॅनल हे दिवसादिवस प्रगतीच्या पथावरसुद्धा जात आहे। आपलं बी चॅनल आणखीन पुढं जावं आणि शेख साहेबांना माझ्या वतीने माझ्या पूर्व नागपूरच्या वतीने त्यांच्या वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। काही लोक असे असतात की त्यांच्या वाढदिवसाला आपण सगळ्यांनी गेलं पाहिजे, तो साजरा केला पाहिजे अशी लोकांमध्ये भावना असते। त्याच्यापैकी सिराजभाई आणि मजहरभाई हे आहेत, यांचं काम धर्म, जात, पंथ, भाषा, प्रांत याच्यावरती आहे। आणि ज्या पद्धतीने यांच्याकडे एक चांगलं चॅनल आहे, केबल चॅनलच आहे पण ते इतकं प्रसिद्ध चॅनल आहे की त्यांनी लोकांवर जाण्याची गरज नाही आहे, ते आपलं काम करतात आहे। राजकीय बातम्या असतील, सामाजिक बातम्या असतील, धार्मिक बातम्या असतील, जे काही समाजामधला दुवा जो आहे तो पूर्ण करण्याचं काम ते करत आहेत। पण तरी पण आपण पुढं गेलो तरी आपण समाजाचं देणं लागतो अशी भावना ठेवणाऱ्यापैकी सिराजभाई मजहरभाई आहे। म्हणून त्यांच्या वाढदिवसाला सगळ्यांना यावंसं पण वाटतं, लोकांची सेवा पण होते, लोकांची आरोग्यसेवा आज फार मोठी सेवा आहे। आपण पाहिलं असेल की आरोग्याच्या प्रश्नावर इंग्लंडमध्ये निवडणुका झाल्या, सरकार बदललं, या आरोग्याचे प्रश्न आपणही समजून घेतले पाहिजे। भारतासारख्या देशामध्ये प्रचंड जिथे दारिद्र्य आहे, जिथे लोकांसाठी रोटी, कपडा, मकानचे प्रश्न आहेत, तर आरोग्याचे प्रश्न फार दूरची गोष्ट आहे, लोक अंगावर काढतात। पण अशा परिस्थितीमध्ये आपला वाढदिवसाचा हेतू साध्य करण्यासाठी अशा पद्धतीची सेवा करणं हे चांगलं काम आहे। आणि त्याच्यामुळे आम्ही सगळे लोक जे आहे ते प्रेमापोटी सिराजभाईच्या, मजहरभाईच्या या कार्यक्रमांमध्ये नेहमी उपस्थित असतो। आज सिराजभाई शेख यांचा वाढदिवस होता आणि त्या वाढदिवसानिमित्त मी त्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि माझ्या परिवाराकडून सुद्धा त्यांना वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा। आज ज्या पद्धतीनं इथं भव्य रक्तदान शिबिर आणि डोळ्यांचं सुद्धा चेकअप वगैरे कॅम्प असं ठेवलं आहे, ज्या पद्धतीनं लोक इथे आलेले आहे ते एक सिराजभाई शेख यांच्या प्रेमापोटीच हे सगळं घडलेलं आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सिराजभाईंनी जो चॅनल चालू केला आहे BCM, त्या चॅनलच्या माध्यमातून नागपूर शहराच्या जनतेच्या सेवा आणि जे जे प्रॉब्लेम्स असतील नागपूर शहरात ते निस्वार्थपणे दाखवण्याचं काम BCM हे न्यूज चॅनल करत आहे। म्हणून मी त्यांचंसुद्धा मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतो। आणि परत सिराजभाई शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पवार परिवाराकडनं खूप खूप शुभेच्छा, कोटी कोटी शुभेच्छा देतो। सिराजभाई शेख गत 15 दिन से केवल जन्मदिन नहीं मनाते, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हजारों नागरिकों की निःशुल्क सेवा देते, उनका हेल्थ चेकअप करते और केवल 2-3 केवल आँख चेक करना डेंटिस्ट ऐसा नहीं, तो इस शिविर में कम से कम 35 से 40 अपने शरीर में जिन जिन सुविधाओं की ज़रूरत है ऐसे 35 से 40 विभाग ऐसे होते जहाँ यहाँ चेकअप किए जाते हैं, उनको चश्मे दिए जाते हैं, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनका ऑपरेशन भी कराया जाता है। सिराज भाई को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और सिराज भाई को यही बताऊंगा कि ये अच्छा सुंदर जग देखने के लिए आदमी सशक्त सुदृढ़ होना चाहिए, वो बनाने के काम सही मायने में जो करता है वही सही ईश्वर सेवा है और सिराज भाई ये करते आए हैं। मैं सिराज भाई को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सिराज भाई
के हाथों से ऐसी सेवा होती रहे, ऐसी मैं अल्लाह के चरण में कामना करता हूँ। मी पुनश्च सिराज भाईला खूब खूब जन्मदिवसानिमित्त शुभेच्छा देतो। हजारों लोकांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा फायदा मिळतो, यापेक्षाही हा फायदा लाखोपर्यंत पुढे भविष्यात जाईल अशी पूर्ण आशा आहे। म्हणून सिराज भाईला दीर्घ आयुष्य परमेश्वर देव आणि त्यांना शक्ती ही दिलेलीच आहे, त्या शक्तीचा पुन्हा प्रसार होऊन या संपूर्ण लोकांना फायदा मिळाला पाहिजे। आणि सिराजभाईचं मी सुरुवातीपासून बघितलेलं आहे, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं तामझाम करणे, कुठल्याही प्रकारची सोबाजी करणे आणि कुठल्याही प्रकारचं नाव होऊन जाईल अशा प्रकारचा त्यांचा स्वभाव नाही, परंतु त्यांच्या प्रेमाखातीर ह्या संपूर्ण त्यांच्या टीमनी त्यांचं हे आयोजन केलं आहे, त्यांचं देखील या ठिकाणी खूप खूप स्वागत अभिनंदन करतो। मी आज सुरुवातीला तर ते सिराज भाईला उदंड त्यांना आयुष्य लाभो ही सदिच्छा ईश्वरचरणी देतो। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जे असे व्यक्ती मी आयुष्यात पहिल्यांदा पाहिले की जे आपल्या वाढदिवस अशा तऱ्हेने मनवतात, आणि हे सर्वात मोठी समाजासाठी याची गरज आणि हे खरोखर असंच व्हायला पाहिजे। आणखी दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की त्यांना वाढदिवसाच्या दिवशी एवढा सक्सेसफुल कॅम्प होतो याचं कारण की इथं येणारा प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक रुग्ण त्याचं निदान बरोबर होते आणि निदान झाल्याच्यानंतर शेवटपर्यंत त्याचा फॉलोअप घेतला जातो। जसं की एखाद्या रुग्णाला जर काही शस्त्रक्रिया करायची असेल तर शस्त्रक्रियेपर्यंत त्याचा फॉलोअप घेतला जातो, एखाद्याला चष्मा जर लागत असेल तर चष्मा मिळेपर्यंत त्याचा फॉलोअप घेतला जातो। त्याच्यामुळे हे सर्वात सक्सेसफुल कॅम्प असते आणि या कॅम्पमध्ये फक्त डोळेच नाही तर डेंटलपासून, प्लास्टिक सर्जरीपासून, स्किनपासून सगळ्याच गोष्टी असतात। आणि मला तर वाटते याच्यापेक्षा कुठलं बर्थडे सेलिब्रेट करणं कुठलं एखादं याच्यापेक्षा चांगलं असू शकत नाही। जनाब सिराजभाई शेख यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने दरवर्षी या पद्धतीनं आरोग्य शिबिराचा जो हे केला जातो, तर ह्या वर्षात पण मोठ्या प्रमाणामध्ये खूप लोक, ह्या दक्षिण नागपूरचे असेल, नागपूर शहराचे लोक त्याचा लाभ घेत आहे। मी सिराजभाईंना मी एवढेच विनंती करतो की हे जे तुमचं कार्य आहे हे हमेशा निरंतर आपण चालू ठेवावं। मी ईश्वरचरणी एवढी प्रार्थना करतो की आपल्याला उदंड आयुष्य मिळो आणि अशीच जनतेची सेवा करत राहा। आमचे मित्र सिराजभाई शेख यांच्या जन्मदिनानिमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। सिराजभाई शेख हे दरवर्षी आपला जन्मदिवसानिमित्त जवळपास हेल कॅम्पच्या माध्यमातून डोळ्यांचे ऑपरेशन असो, चष्मे वाटप असो, या इतरही खूप साऱ्या ज्या गोष्टी असतात त्या सर्व गोष्टी त्या मोफत गरिबापर्यंत पोहोचतात। त्यांचा हा उपक्रम नेहमी सुरू असतो। मागच्या वर्षी माझ्या ऑफिसमध्ये जो कॅम्प झाला त्या कॅम्पमध्ये सिराजभाई शेखच्या माध्यमातून जवळपास 485 लोकांना चष्मे मिळाले। आजही ते लोक भेटतात, मिळतात, सांगतात की भैया आपके वजह से हमको सिराजभाई की तरफ से हमको चष्मा मिला है, आज भी हम उसका उपभोग करते हैं। यावेळेसुद्धा माझ्या ऑफिसमध्ये कॅम्प झाला, जवळपास 335 लोकांना चष्मे वाटपचा कार्यक्रम आज इथं होत आहे। सिराजभाई शेख हे गरिबांचे मसिहा म्हणून काम करतायत। मी त्यांना त्यांच्या जन्माचं खूप शुभेच्छा देतो, माझ्या शब्दांना विराम देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सिराजभाई को मैं मजर भाई के थ्रू मेरे ख्याल से 2007 में वगैरह मिला था। 2007 में जब पहली बार सिराज भाई को मिला तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार उनको मिल रहा हूँ, और उसके बाद कई बार मजर भाई को पता नहीं था पर हम मिलते रहे, बातचीत चलती रही। और सिराज भाई यारों के यार है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, अभी 2-3 महीने पुराना मैं दुबई गया था मेरे फैमिली के साथ। सिराज भाई को पता चला मैं दुबई में हूँ, उन्होंने उनकी गाड़ी बेच के, यानी वो दुबई में भी जाके वो संस्कार और याराना भूले नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे फक्र हुआ कि चलो अपना दोस्त यहाँ पे होने के बाद भी याद कर रहा है और पूरा समय अपने को दे रहा है। तो उनके फैमिली के साथ पूरी रात मैंने बिताई एक दिन, शायद सिराज भाई को याद होगा, अभी 2 महीने पुराना किस्सा है। तो सिराज भाई यारों के यार है। तो यानी जो आज मुकाम पे सिराज भाई आए हुए हैं, सही में उन्होंने जो हिसाब से बचपन से परिश्रम करते हुए आए उनका मैंने पूरा पढ़ा है कि वो कहाँ से क्या करते आए हैं। शायद पहले पतंग भी बेचते थे और उनको सब करते हुए यहाँ तक मजर में और सिराज भाई आए हुए हैं। तो इनका तहे दिल से मैं ये कहूँगा कि बस सिराज भाई आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हमें भी साथ देते रहे। Once again, happy birthday. सबसे पहले तो मैं आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं
उनकी तरफ से मैं दिल से बधाई दूंगी सिराज भाई को, क्योंकि बधाई के बाद वो इसलिए हैं क्योंकि नॉर्मली हम जब जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन मनाने का, यदि मैं इंडिया में बात करूं तो एक ही तरीका होता है कि हम होटल में पार्टी कर लें, बहुत अच्छा डीजे लगा लें और अच्छे से सेलिब्रेट अपनी फैमिली के बीच में कर लें। पर इस दुनिया में वह मानव बहुत कम होते हैं जो जन्मदिन लगभग 15 वर्षों से इस तरह से मनाते हैं कि जो जन्मदिन उनका उनके लिए नहीं होता, इस मानव सेवा के लिए होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इन्होंने जन्मदिन मनाने का जो ये अनोखा तरीका है, क्योंकि जब हम अपना हेल्थ चेकअप करते हैं तो ये मैं मान के चलती हूँ कि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना कार्डिक टेस्ट करा रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने अदर सारे टेस्ट करा रहे होंगे, पर जब उसमें प्रॉब्लम निकलती है तो मैं ये मानती हूँ कि वे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। वो किसी के पापा हैं, वो किसी के बेटे हैं और वो किसी के भाई हैं और किसी की बहन है। जब अपनी लाइफ को वो प्रोटेक्ट करते हैं तो वो अपने आप को नहीं, इस तरह से एक परिवार में यदि चार मेंबर हैं और यदि आज यहाँ पे 500 लोगों का चेकअप हुआ तो 2000 परिवार को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है। तो सिराज भाई, आज आपने यह उपक्रम, मैं लगभग 10 साल से आपके इस प्रोग्राम में आ रही हूँ और मैं ये मानती हूँ कि यह उपक्रम आपका आज हुआ है, ये बहुत अद्वितीय है और ऐसा ही आप हमेशा करते रहेंगे। स्वतःचं कुटुंब चालवून स्वतः स्वार्थपणा आपल्या मनामध्ये ठेवतात, परंतु सिराज भाईंनी अगदी गरिबीतून येऊन व्यवसाय केला, बिझनेस केला, पैसा कमवला, परंतु तो पैसा स्वतःसाठी न वापरता काही भाग तो दलित समाजासाठी वापरतो। गेल्या 16-17 वर्षापासून एकही वर्ष असं त्यामध्ये गॅप नाही ज्यामध्ये गरिबांसाठी रोग निदान शिबिर, आज इथे जे शिबिर चालू आहे या शिबिरामध्ये शरीराचा असा एकही अवयव नाही त्या अवयवाबद्दल इथं चाचणी होत नाही आहे। मी मनापासून सिराजभाई यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि भविष्यात असाच प्रकारचा उपक्रम त्यांच्या हातून समाजसेवा घडत राहावं, समाजसेवा करत राहावं आणि साऱ्यांना या दलित पीडित लोकांना सिराजभाईच्या माध्यमातून सेवा मिळावी अशी इच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। निश्चित रूपाने सिराजभाई शेख सोमवारी क्वार्टरमध्ये जन्माला आलेले एक मिल कामगारांचे ते सुपुत्र आहेत आणि शून्यातनं आपला कारभार सुरू करून आज त्यांनी एक मोठी उंची गाठली आहे आणि उंची जरी गाठली तरी ते सर्वसामान्य लोकांमध्ये पाय ठेवून उतरून बसलेले आहेत। त्यांचा स्वभाव लहान्यापासून मोठ्यापर्यंत म्हणजे सगळ्यांना मिळून मिसळून सोबत घेऊन जाणे आणि याच माध्यमांना दरवर्षी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जवळपास 2-3 हजार आपण चष्मे वाटतो, 7 हजार लोकांना चष्मे वाटतो, त्याचप्रमाणे विविध वैद्यकीय उपक्रमामध्ये त्यांना सहकार्य करतो आणि सातत्याने सहकार्य करणारा असा आपला भाऊ, याच्या वाढदिवसानिमित्त सगळ्यांनी टाळ्या वाजून त्याचं एकदा स्वागत केलं पाहिजे आणि मी सुद्धा त्यांना उदंड आयुष्याच्या सुदृढ आयुष्याच्या शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। दुर्लक्ष होत असते आणि त्या माध्यमातून त्यांना आरोग्य मिळायला पाहिजे पण ते मिळत नाही आणि याच एक संकल्पनेनी की समाजाला आपलं काही देणं लागतं याच उद्देशाने सिराजभाई गेलेल्या कित्येक वर्षा वेळेप्रसंगी आई चरणी प्रार्थना करतो। BTP एवं BCN ग्रुप के संस्थापक आणि हमारे बड़े भाई सिराजभाई शेख इनका आज 51वा जो जन्मदिन है, यानी सिर्फ जन्मदिन ही नहीं तो इनमें एक अलग ही इंसानियत जो है सिराजभाई शेख इनमें है। भाई ये शब्द का सही मायने में अगर देखा जाए तो जो सिराज भाई उनको जो कहते हैं तो बड़े प्यार से जो है नागपुर शहर की जनता उनको कहती है, क्योंकि सामाजिक उपक्रम में हमेशा अग्रसर रहने वाले सिराज भाई ने अभी पिछले 7 दिनों से जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर
उनके जो सहकारी है, उनके जो दोस्त है, उन्होंने नागपुर शहर के अलग अलग कोने में जो है इस प्रकार के मोतियाबिंदु के ऑपरेशन के शिविर रहे, या चश्मे वाटप का शिविर रहे, औषधि वाटप का शिविर रहे, अलग अलग मेडिकल के संबंध में जो है हमेशा जो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वो इस प्रकार के शिविर आयोजित किया करते, और हज़ारों की तादाद में जो है नागपुर शहर की सम्माननीय जनता को इसका फ़ायदा होते रहता। और पिछले 7 दिनों से, मैंने पहले भी कहा, 7 दिनों से उनका ये शिविर जारी है। मैं प्रभाग 18 की ओर से और मध्य नागपुर की सम्माननीय नागरिकों की ओर से मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ऊपर वाले से ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से उनकी उन्नति हो और इसी प्रकार से वो समाज का जो है इसी प्रकार से भला करते रहे। धन्यवाद जी। आज हमारे बड़े भाई सिराज भाई का जन्मदिन है, और तकरीबन मैं जितना जानती हूँ 10-12 साल से तो कंटिन्यू ये मेडिकल कैंप लेते हैं निःशुल्क, और जो कि बहुत ही सराहनीय है। और वो उस टाइप का नहीं कि केवल आना है, दिखावा करना है और जाना है, एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं। पता नहीं सिराज भाई को याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत छोटी थी तो जब हमारे क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे तभी भी भाई स्पोर्ट्स वालों को बड़ी मदद करते थे, तब हम लोग 14-15 साल के हुआ करते थे। तो मेरी ओर से और मेरी पूरी कांग्रेस कमेटी, जो महिला कांग्रेस की जो मेरी महिलाएं हैं, उन लोगों की सबकी तरफ से, और हमारे भाई लोग भी यहाँ पर आए हैं, हम सभी की तरफ से सिराज भाई को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, तरक्की दे, ऐसी हम दिल से दुआ करते हैं, और BCN की टीम दिन रात और ज़्यादा तरक्की करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। आज सिराज सर के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर वगैरह बनाते हैं तो उनका श्रेय वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर हुआ। जैसे कि आज मैं भी एक छोटे मोटे पीक्स माउंटेन्स क्लाइम करता था, सिर्फ आज मेरे नाम के आगे जो इंटरनेशनल माउंटेन, ये जो वर्ड लगा है वो लगा है सिर्फ सिराज सर के वजह से। उन्होंने मेरे को सिर्फ माउंटेनियर से बल्कि उठा के एक इंटरनेशनल माउंटेनियर के कद पर रखा, तो उसके लिए मैं सिराज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट ईयर जैसे मेरे पापा गुजर गए, पापा का एक ही कहना है मेरे लिए, हम सब के लिए, कि जिस आदमी के वजह से, जिनके वजह से तुम बड़े हुए, भले पूरी दुनिया को भूल जाओ पर उनको कभी मत भूलना। इसके लिए मैं सिराज सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर के बर्थडे के दिन आज जितनी भीड़ थी यहाँ पे, इतना पानी आने के बाद भी इतने लोग यहाँ पे आज एकजुट हुए, वो उनके एक कार्य, उनके एक अच्छे कामों की वजह से, उनको एक रुख चाहते हैं, उनकी भावना जात धर्म पंथ सब एक करने के बाद, सब एक तरफ होने के बाद, वो एक अपने मन से एक पूरे सब लोगों के लिए जो सेवा कार्य करते हैं, वो उनका बहुत बड़ा बड़कपन है। आज इतने लोग आए यहाँ पे तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से एक बार सिराज सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। गौरतलब है कि इस खास मौके पर इस भव्य आयोजन और मौजूदों द्वारा दी गई शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सिराज शेख एवं जोया सिराज शेख, इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। पहले तो आपको बता देता, जितने भी राजनेता आप यहाँ स्टेज पे थे, ये मेरे पहले दोस्त है, शायद वो आज राजनेता बने होंगे पर मेरा दोस्ताना है, और सभी से मेरा पूरा गहरा संबंध है। करीब करीब 20-22 साल से लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, तो उस उद्देश्य पे, तो राजनीति उद्देश्य से कोई ये इवेंट नहीं हुआ है। और हम लोगों को जो शिविर का जो ये है, हमारे प्रशांत जी, बन्ना के, इमरान, इन लोगों ने डे वन से बोला कि भैया कुछ तो भी नया करते हैं, क्योंकि मेरे को बोलता था अननेसरी पार्टी करने में मुझे मज़ा नहीं आता, लोगों को लाभ मिले। और मैं देख रहा हूँ पिछले 15 साल से, पिछले बार हमने 5,000 चश्मे बांटे थे, इस बार 7,000 की क्वान्टिटी हमारी गई। आज इतनी नॉन स्टॉप बारिश होने के बाद भी इतनी पब्लिक आई है, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोग हैं, इनका अपने को ध्यान रखना अपना काम है, और भगवान अल्लाह ऐसी रहमत से इंसानों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग अगर पैसा कमाएंगे और गरीबों का ध्यान नहीं देंगे तो कब्र में लेके कोई जाने वाला नहीं है। बस संदेश तो यो मैंने नौजवानों को ही दिया हूँ कि बस जल्दी उठे, ज़्यादा काम करें, पढ़ाई के साथ भी टाइम मिलता है, वॉकिंग करने के बाद भी टाइम मिलता है, 2-3 घंटा भी जॉब करते हैं तो माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहते। कई लोग आते हैं, यार भैया मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने ये किया, मुझे नौकरी नहीं मिली, सिफारिश नहीं थी, मेरे माँ बाप ने मुझे ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अपना टैलेंट खुद पहचानो और अपने समय को बर्बाद ना करो, तब आगे बढ़ेंगे। और प्रण क्या लिया है सर ने? सर ने ये प्रण लिया है कि मैं हर साल अपना बर्थडे इन लोगों के साथ में ही मनाते रहूँ। देखिए मैं तो यही चाहती हूँ कि हर लोगों ने आगे आकर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, बिकॉज बहुत ऐसे हमारे इंडिया में, मैं इंडिया की बात करूँगी पर्टिकुलर, ना कि सिर्फ नागपुर की, हमारे इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो जैसे मैं भी अपना फाउंडेशन चलाती तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारी फाउंडेशन के थ्रू लोगों को मदद मिल सके, और भी लोगों से ये है कि जिनके पास भी थोड़ा है वो थोड़े से भी थोड़ा देंगे तो लोगों की मदद वैसे ही हो जाएगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हर किसी ने हर किसी का साथ पकड़कर हर किसी की मदद करना है।